नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक अलग ही प्रजाति जिसको आज हम मैनेजर्स नाम से जानते हैं। ये जीव एक अलग ही मिट्टी से बना होता है। अपने व्यवहार, कार्यशैली, आदतों व हरकतों की वजह से इस मैनेजर रूपी प्रजाति को भिन्न भिन्न प्रकार में बांटा जाता है। आज आपसे साझा करना चाहेंगे। सबसे पहला, कानूनी मैनेजर। ये मैनेजर आपसे हर चीज कहने से पहले या कहने के बाद में बैंक के कानून या सर्कुलर का हवाला देगा। ब्रांच स्टाफ अक्सर इसे पीठ पीछे छुटका आरबीआई नाम से बुलाते हैं। दूसरा, जुल्मी मैनेजर। ये मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा है। ये ब्रांच स्टाफ से सिर्फ काम लेना जानता है, चाहे स्टाफ मर रहा हो, जिंदा हो या अपनी आखिरी सांस क्यों ना ले रहा हो। ये मैनेजर का मानना है कि बैंक पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान है और यही कहकर ये उस स्टाफ को अपने आखिरी दिन आखिरी सांस लेने के लिए भी बैंक आने को प्रोत्साहित करेगा। तीसरा है फिल्मी मैनेजर। ये मैनेजर थोड़ा दिलचस्प है। नई पीढ़ी में इस मैनेजर की प्रजाति वाले गुण अक्सर पाए जाते हैं। ये अपनी वेशभूषा, अपने बात करने, चलने फिरने, खाने पीने में क्लास, एक फिल्मी स्टाइल का प्रदर्शन करेगा। इसे आता चाहे कुछ ना हो, पर लेटेस्ट हेयर स्टाइल, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ये बेफिक्र होकर घंटों घंटों बात कर लेगा। ये बोल बच्चन में अव्वल होता है और अधिकतम अंग्रेजी फिल्में और हिंदी वेब सीरीज पर ऑफिस में चर्चा करता हुआ पाया जाता है। चौथा है फिसलम मैनेजर। भाई, इस मैनेजर के क्या कहने। ये मैनेजर ना किसी उम्र का मोहताज है, न पीढ़ी का, न रूरल ब्रांच का, न अर्बन ब्रांच का, ना ब्रांच का, ना कंट्रोलिंग ऑफिस का। ये मैनेजर बस अपनी आदत का मारा है। आमतौर पर आलस से भरे हुए इस मैनेजर की रगों में एक अविश्वसनीय जोश तब देखा जाता है जब ब्रांच में किसी लेडी ग्राहक के कदम पड़ते हैं। उस विलक्षण क्षण ये मानुष जैसे ऐसी बेहतरीन सर्विस का मुआयना पेश कर देता है कि बड़े से बड़े प्राइवेट बैंक के मैनेजर और स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में बैठे अधेड़ अंकल की भी रूह कांप जाए। मैगी बनने से पहले आपकी धनराशि आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, पासबुक अपने आप अपडेट हो जाएगी, एटीएम का फॉर्म भी स्वयं भर दिया जाएगा और कैबिन में चाय कॉफी का बेहतरीन दौर शुरू हो जाएगा। पांचवा है हमारा तिगड़म मैनेजर। ये मैनेजर तो भाई अद्भुत होता है। सच कहें तो ये मैनेजर ही असली मायने में मैनेजर होता है। चाहे ब्रांच के बिजनेस को बढ़ाने की बात हो, स्टाफ की कोई पर्सनल या प्रोफेशनल तकलीफ हो, ये बंदा ऐसे तिगड़म लगाएगा कि काम छट से हो जाएगा। मतलब जुगाड़ इस मैनेजर का फर्स्ट नेम है। ये सबसे बनाकर चलता है वह समझदारी और परिपक्वता का भंडार कहलाया जाता है। छठा है अपना घुटने टेक मैनेजर। ये मैनेजर बड़ा विचित्र किस्म का होता है। ये वैसे तो कम बोलता है, चुपचाप अपने कैबिन में बैठ एसी की हवा खाता रहता है, पर जिस दिन इसको ऊपर के रीजनल ऑफिस से कोई टारगेट मिल जाए जिसको अचीव करना मुश्किल है, या फिर इसको ऐसी खरी खोटी सुनने को मिल जाए जिसको पचाना मुश्किल है, उस समय ये मैनेजर थोड़ा पगला जाता है, थोड़ा बावड़ा किस्म का हो जाता है। ये ऊपरी जीवों के सामने घुटने टेक अपने ब्रांच स्टाफ का ही जीवन बद से बदतर करने पर तुल जाता है। इंश्योरेंस से लेकर हर वो चीज बेचने के लिए उन पर दबाव डालता है। कभी कभी तो मजबूरी में कैबिन के बाहर आकर किसी जीरो बैलेंस कस्टमर के सामने इंश्योरेंस खरीदने के लिए गिड़गड़ाता भी है। ये अजीब पैटर्न कुछ दिन चलता है और बाद में सब नॉर्मल। फिर किसी एक दिन ऊपर से ऐसा एक और फोन आता है और फिर इन महोदय का सर्कस फिर से चालू। अपना सातवा मैनेजर है नेक मैनेजर। ये एक ऐसा मैनेजर है जो हर बैंक स्टाफ चाहे खुद बनना चाहे या ना चाहे, पर अपने ऊपर इस तरह का मैनेजर जरूर देखना चाहेगा। नियत में, सोच में, बातों में, कार्यशैली में, वर्क लाइफ बैलेंस में ये मैनेजर एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। स्टाफ के साथ व्यवहार हो या टारगेट पूरा करने का प्रयास, ये हमेशा प्रथम आता है। बैंक मैनेजर की जॉब को आसान दिखाना
और दूसरों के लिए एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करना इस नेक मैनेजर की पहचान है। अपना आठवां और अगला मैनेजर है बिंदास मैनेजर। ये मैनेजर सच में ब्रांच को एक मनोरंजक जगह बना देता है। दिलचस्प अंदाज में बात करना, बात बात पर चुटकुले मारना, स्टाफ की टांग खींचना, बदतमीज कस्टमर को भक कहकर भगा देना इसकी प्रसिद्धि का कारण बनता है। इस बिंदास मैनेजर की जिंदगी में बैंक के अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी बनाना, चित्रकारी करना, कलम चलाना, नाच गाना, मदिरा सेवन और बाइक उठा सीधा लद्दाख चले जाना। ये है हमारे बिंदास मैनेजर के लक्षण। इसके बाद हमारा नौवां है खल्लास मैनेजर। ये मैनेजर बिंदास मैनेजर से बिल्कुल विपरीत है। इसकी जिंदगी बैंक से शुरू हुई और बैंक में ही खत्म हो जाती है। ये गुलामी का जीता जागता प्रतीक है। ये रात रात भर बैंक में खुद भी बैठता है और अपने स्टाफ को भी बिठाता है। इसके परिवार वाले भी इसके घर की बजाय बैंक में रहने से ज्यादा खुश हैं। ये मैनेजर रात के 12 से 1 बजे भी व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलर भेजता हुआ व नए नियम कानून भेजता हुआ पाया जाता है। आप इसे अक्सर ये पंक्ति कहते हुए सुन लेंगे, बैंक है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं, सब जीरो सब जीरो। और इसके बाद आता है हमारा 10वां और आखिरी ठाठ मैनेजर। ये मैनेजर मेरा पसंदीदा है। इसको ठाठ मैनेजर कहने के पीछे बहुत से कारण हैं। इसके पास गुरु मंत्र है ब्रांच में, घर में और जीवन में खुश रहने का। इसका व्यवहार, इसकी बातें, इसके काम करने का तरीका इतना दुर्लभ है कि चाहे ब्रांच स्टाफ हो, रीजनल ऑफिस हो या ग्राहक हो, इससे बात करने से पहले सब दो बार सोचेंगे, किसी डर की वजह से नहीं बल्कि धनुष बाण जवाब की अपेक्षा के कारण। इसकी वाक्पटुता, बुद्धि तत्परता इतनी आला दर्जे की होती है कि किससे, कब, कितनी और कैसे बात करनी है ये मैनेजर भली भांति जानता है। बैंकिंग जगत इसे मैनेजर राजा मानता है। तो ये हुए आज हमारे 10 प्रकार के मैनेजर। मैं आपका मित्र सदैव गौरव मेहर, गो नारद।